ऑर्गेनाइजेशन वैसे ही बहुत मुश्किल काम है. सबसे मुश्किल काम हर 6 महीने बाद गर्मी सर्दी के कपड़ों को फिक्स करना है. कौन सबको ऑर्गेनाइज करना, कौन सा रखना है, कौन सा निकालना है, कौन सा अगले साल बच्चे को पूरा आएगा, कौन सा नहीं पूरा आएगा. बहुत ही टफ जॉब है. और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं, जैसे ये फ्रॉक है, ये तो इतना खूबसूरत फ्रॉक है और मैंने हार्डली सबीन ने शायद 2 दफ़ा पहना है, लेकिन सिंस इट्स विंटर नाउ तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा और अगले साल शी विल डन डिफरेंट साइज. तो ऑब्वियसली फिर उसके पूरा भी नहीं आना. तो इस तरह के कपड़े फिर बंदा क्या करे, ना उनको के रखने जोगा रहता है, ना उनको निकालने जोगा रहता है. तो इस तरह के कपड़ों के लिए क्या रहता है, मेरे पास ट्रंक है जिसमें मैं सारे वो कपड़े डाल देती हूँ जो छोटे हो चुके हैं और बहुत हार्डली 1-2 दफ़ा पहने हैं लेकिन खूबसूरत हैं और छोटे हो चुके हैं और उनका आगे कोई यूजेज नहीं है. तो आई पुट देम असाइड फॉर एवर, पता नहीं क्यों, बट आई डोंट लाइक टू थ्रो देम अवे. सो इसलिए हम ये भी उस पैक ही जाएगा और बाकी लेट्स सॉर्ट आउट एंड ऑर्गेनाइज हर कबर्ड विच इज यू नो यू कैन सी इज लुकिंग रियली वेरी पैथेटिक विद ऑल द मेस इन द कबर्ड. मतलब कि इतना कुछ है, इसमें से कुछ निकालना है, कुछ रखना है, कुछ देना है. सो हर साल ये जो काम है करना पड़ता है ना गर्मियों में और सर्दियों में, ये सबसे बोरिंग और सबसे बहुत बुरा काम लगता है मुझे, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है. सो लेट्स स्टार्ट द फन. तो गर्मी और सर्दी के कपड़ों के लिए मैंने हमेशा से एक 2-3 बैग्स अपने फिक्स किए हुए हैं जो ट्रैवलिंग बैग्स होते हैं. तो उसमें मैं हमेशा ऑन ऑफ सीजनली कपड़े शिफ्ट करती रहती हूँ. तो इसमें सब जितने भी गर्मियों के कपड़े हैं उनको मैं एक साइड पे कर दूँगी और उनको मैं ताकि उस बैग में डाल दूँ. जो कपड़े मैंने मुझे पता है कि सभी ने नेक्स्ट ईयर नहीं पहनने या उनको छोटे हो जाने हैं, तो वो सारे के सारे मैंने रख दिए हैं. जो अपना एक सेविंग बैग रखा हुआ है मैंने, जिसमें मैं सारे वो चीज़ रखती हूँ जो मुझे पहनने का दिल नहीं करता, तो वहाँ रख दूँगी. और जो कुछ नहीं पहनने उनने, तो वो मैं इंशाल्लाह किसी और बच्चे को दे दूँगी. और उसके अलावा इनके अलमारी में, अब चूँकि हम जिस घर में रह रहे हैं आजकल यहाँ पर बहुत कम स्पेस है, तो मैंने अपने सारे बैग्स और अपनी जो यूज़फुल चीज़ें, जो चीफ पीछा को ब्लू कलर के लिफाफे नज़र आ रहे हैं, इनमें मेरे कुछ फ्रेम्स पड़े हुए हैं. सो आई हैव केप्ट ऑल दीज थिंग्स इन हर कबर्ड. सभी इनकी कबर्ड में पड़ी सारी चीज़ें. तो इनकी जैसे काफ़ी दफ़ा बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है. सो अब व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ इन सब चीज़ों को निकाल के दोबारा से सॉर्ट करने लगी हूँ, ताकि कुछ यहाँ पे सेटिंग हो सके अच्छे तरीके से, ताकि चीज़ें जब मैं रखूँ, कपड़े रखूँ, तो मुझे डिस्टर्बेंस ना हो. सो टेकिंग ऑल दीज थिंग्स आउट. और ये कुछ चीज़ें आप देख रहे हैं, कुछ मैंने चादरें और सारी चीज़ें भी रखी हुई हैं. सो आई नीड टू रिमूव ऑल दो स्टफ, ताकि यहाँ पे ऑब्वियसली, क्योंकि विंटर क्लोथ्स में हमेशा जैकेट, स्वेटर्स, ये सारी चीज़ें भी होती हैं, तो हमें स्पेस ज़्यादा चाहिए होती है अपने कबर्ड्स में सेटिंग के लिए. अभी आप देख रहे हैं, मैं अपनी हर कबर्ड्स में ना इस तरह से एक मैट बिछाती हूँ, ताकि जो डस्ट वगैरह है वो मैट पे रहे, और मैट में झाड़ती हूँ ताकि मुझे ज़्यादा डिटेल में अलमारी को साफ ना करना पड़े. सो लेकिन अभी मैं कर रही हूँ बिकॉज सीजन कपड़े चेंज करने लगी हूँ. सो आई एम यूजिंग माई हूअर, उससे मैं सारी क्लीनिंग करूँगी और सारी अच्छी तरीके से सफाई करके, कोई अगर मिट्टी है कुछ चीज़ें रख के सारी, फिर वापस सब चीज़ें अब पैक करके रखने लगी हूँ. एंड नाउ इट्स टाइम टू क्लोज द कबर्ड नीटली एंड नाइसली. अच्छा, वैसे तो मैं हर दूसरे तीसरे हफ्ते अलमारियों को सीधा उल्टा करती रहती हूँ, क्लीनिंग करती रहती हूँ, लेकिन जब भी सीजनल कपड़े आगे पीछे होते हैं तो हमेशा एक डेप्थ में जाकर क्लीनिंग होती है, जिसको हम डीप क्लीनिंग कहते हैं. और उसमें बहुत सी चीज़ें जो आपने अभी रखी होती हैं कि कभी यूज़ आ जाएंगी, वो कभी दिन आएगा ये वाले कपड़े कभी हम पहन लेंगे या ये वाली चीज़ हम कभी यूज़ कर लेंगे, तो वो आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, जब इतने अरसा आपने यूज़ नहीं किया है तो आपने अभी भी यूज़ नहीं करनी है. सो वो काफ़ी कुछ आपका साइड पे हो जाता है और नीट हो जाती चीज़ें, और 6 महीने आपकी ज़िंदगी के अच्छे गुजर जाते हैं. क्योंकि काफ़ी कुछ जो गार्बेज होता है, लेकिन हम इस खुशी में रखते हैं कि हमें पूरा आ जाएगा, तो वो निकल जाते हैं, वो पूरा नहीं आता, ट्रस्ट मी. ये मेरा बहुत खूबसूरत बैग है, आई जस्ट लव दिस बैग. मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, लेकिन आई लव दिस बैग्स, तो मैं इनको नहीं निकाल सकती. सो आई जस्ट कीप देम लाइक दैट. और
जितने भी कपड़े हैं फैंसी उनको मैंने इस बैग में बंद कर दिया है, क्योंकि फैंसी कपड़े तो चलते रहते हैं विंटर्स में भी, और लेकिन जो कुछ ऐसे फ्रॉक्स हैं या कुछ ऐसे कपड़े जो नहीं चलेंगे वो मैं साइड पे कर दूँगी। बाकी सब कपड़ों को मैं कुछ को हैंग करूँगी, कुछ को मैं फोल्ड करके रखती हूँ। जो कपड़े रेगुलर यूज़ होने वाले हैं हर रोज़ के हर रोज़, उनको मैं फोल्ड करके रखती हूँ। जो कपड़े ओकेजनली यूज़ होने वाले हैं उनको मैं हमेशा हैंग करती हूँ अलॉन्ग विद ऑल द स्वेटर्स एंड जैकेट्स, क्योंकि जैकेट्स को फोल्ड करना एक बहुत ही मुश्किल काम है, तो जैकेट्स को मैं कभी फोल्ड नहीं करती। सिंस अभी मैंने जैकेट्स निकाली नहीं है बिकॉज इट्स नॉट दैट कोल्ड आई गेस, लेकिन बाकी सारे सर्दियों के कपड़े बच्चों के निकाल दिए हैं। सो सॉर्टिंग ऑल दोस, कुछ तय होंगे कुछ हैंग होंगे एंड इस तरह से हमारा मसला हल हो जाएगा। सो वी आर ऑलमोस्ट डन। इस बास्केट में मैंने सारे जो टाइट्स हैं लेगिंग्स हैं वो रख दी हैं, बाकी एक शॉपिंग में सारे सारे दुपट्टास रख दी हैं ताकि वो एक क्लस्टर ना हो हमारी के अंदर। एंड वी आर पुटिंग ऑल दी थिंग्स बैक एंड वी आर डन विद दिस मेस आफ्टर 3 आवर्स, प्लस वी टुक मी 3 आवर्स टू सॉर्ट ऑल दीज थिंग्स। टीशूज के बच्चे भी थे तो सब कुछ करते हैं 3 आवर्स। Just take out these clothes और उसके बाद सिंपल कपड़े वापस चले। So let's do it. तो यस, सभी की अलमारी भी हो गई ऑलमोस्ट। स्पाइडरमैन के कपड़े हम नहीं हटा सकते, बेशक वो सर्दियों के गर्मियों के, क्योंकि उसको क्रेज़ है स्पाइडरमैन का। एंड वी आर डन, आई होप आप लोग अच्छा लगा होगा। सो टू द कमेंट्स, बाय।